चुनाव आयोग से जुड़ी हमारी पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। चुनाव आयोग ने लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का समर्थन किया है। इस संबंध में आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में आयोग ने इस बारे में कानून मंत्रालय को लिखा। ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर सभी चुनावों को एक साथ कराए जाने का विचार रखा है। तो बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का विचार रखा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, और क्या डिटेल्स है? देखिए, एक प्रस्ताव था जो सरकार की तरफ से था, संसदीय समिति की तरफ से था, और साथ साथ आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी के कह चुके हैं, बीजेपी के घोषणा पत्र में ये है, और सरकार ये चाहती है कि ये चुनाव दोनों एक साथ हो। इसका मतलब ये है कि इससे खर्च कम होगा, सरकार ऐसा नहीं, एक मतलब चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही एक समय चुनाव होने से एक दिशा, देश की दिशा, और जो देश में आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होने पर कई तरह की दिक्कतें होती है, तो वो सरकार चाहती है कि स्ट्रीमलाइन हो चीजें। और इससे पहले भी देखिए 1967 से पहले एक चुनाव हुआ करते थे देश में, उसके बाद से अलग अलग स्थितियां बनती गई और फिर राज्यों के विधानसभा के चुनाव अलग और लोकसभा के अलग होते हैं। और कई बार देखिए वैसे किया जाए, पॉलिटिकली बात किया जाता है तो सरकार के लिए सेमीफाइनल फाइनल इस तरह की बातें जो की जाती है, इसको इससे भी बचना चाहती है। तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार है। अगर सरकार और राजनीतिक दल है ये तय करें कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, चुनाव आयोग को। अच्छा रवि, सवाल ये भी उठता है कि कितना व्यवहारिक है, आप सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने की सिफारिश तो करते हैं, लेकिन सभी का कार्यकाल तो एक साथ खत्म नहीं हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, यही आम सहमति बनानी है, जितने राजनीतिक दल हैं उनको एक टेबल पे लाना पड़ेगा, एक बैठक भी करनी पड़ेगी, और बैठक करके तय करना पड़ेगा कि उनसे राय भी मांगी गई है इस मामले में, चुनाव आयोग बीच बीच में उनसे राय मांगता रहा है कि अगर वो तैयार होते हैं तो। व्यवहारिक ये है कि आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उस समय चुनाव होते हैं, लेकिन उनको एक साथ एक्सट्रीम लाइन करना पड़ेगा, एक बड़ा डिसीजन लेना है, क्योंकि सब राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी तुरंत इनके खत्म हुए हैं, चाहे दो चुनाव से ठीक दो तीन महीने पहले जिनके होंगे, तो उन सबको एक साथ लाना एक व्यवहारिक कठिनाई है। बट सरकार को एक डिसीजन लेना है, और चुनाव आयोग अगर सभी दलों की सहमति लेने में सफल रहता है तो ये टास्क बड़ा नहीं है। शुक्रिया।